हाय, वेलकम बैक टू इंजीनियर क्लासेस। आई एम ध्रुव। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का एक सेट करेंगे। बेसिकली लीनियर अरेंजमेंट पे है, जो कि 2018 में रीजनल रूरल बैंक्स के एग्ज़ाम में आया था फॉर पीओ लेवल। तो देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, कितने क्वेश्चन थे उस सेट में। देखो, अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन था पेपर में आया हुआ, एंड इसके रिलेटेड आई थिंक 5 क्वेश्चन से 36 to 40 जो रेफरेंस था वहाँ पे क्वेश्चन नंबर था। सो लेट अस सी कि क्वेश्चन में दिया गया क्या है। देर आर 10 पीपल सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज हैविंग 5 पीपल ईच। मतलब 2 पैरेलल रोज हैं, 5 रो 1 में कौन कौन है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सीटेड ऑल नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम नहीं है, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो लिख देते हैं नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो ये रो 1 हो गई। कौन है, वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये रो 2 है, हुई। इन रो 2 एफ जी एच आई जे आर सीटेड बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। साउथ फेस कर रहे हैं रो 2 में, रो 2 में साउथ फेस कर रहे हैं। दीज आर विच पीपल, एफ जी एच आई जे, एफ जी एच आई एन जे। सो देखो, नॉर्थ में फेस करेंगे तो जो भी फेस कर रहा होगा ये उसका लेफ्ट होगा और ये उसका राइट होगा। बट जो साउथ, जो रो 2 में बैठा होगा वो साउथ फेस करेगा, तो उसका लेफ्ट उल्टा हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट होगा और ये उसका राइट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कभी भी डाउट रहे तो यू कैन इमेजिन योर सेल्फ इन दैट पोजिशन बैठे हुए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लेफ्ट एंड राइट कैसा है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। Therefore, in the sitting arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. Why sits third to the left of W? अब देखो, W कहाँ पे है, row 1 में। अब W कहीं पे भी हो सकता है। अगर मैं W को यहाँ पे डालूँ, इस पोजीशन पे, थर्ड टू द लेफ्ट, वाई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W, तो W Y की पोजीशन नहीं पॉसिबल हो पाएगी। यहाँ से शुरू करते हैं, अगर हम W को डालें यहाँ पे, Y इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W, तो 1, 2 थर्ड टू द लेफ्ट यहां पे आएगा। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस पॉसिबिलिटी में W अगर यहां पे है तो Y इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W यहां पे आ जाएगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर W को हम एक प्लेस और शिफ्ट कर रहे हैं तो Y की पोजीशन नहीं बनेगी। लेट्स सी आगे क्या दिया गया। The one who faces Y sits second to the right of F. Now, one who faces Y के सामने ये होगा, second to the right of F. अब मैंने क्या कहा था, left का right का left हो जाएगा। So, F के second to the right, because they are facing south, तो F का right side ये हो जाएगी। The one, अब एक बार फिर पढ़ते हैं, the one who faces Y, ये position, sits second to the right of F. सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, बिकॉज ये साउथ फेस कर रहे हैं, तो डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। दिस साइड विल बी द राइट हैंड साइड ऑफ एफ। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड आई। एफ एंड आई के बीच में एक ही इंडिविजुअल है, तो पहले केस में देखें तो आई की पोजिशन एक यही बनती है। यही इससे पहले वाली स्टेटमेंट दी थी, द वन हू सिट्स ऑपोजिट वाई सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, तो इस केस में एफ यहाँ पे आएगा। और एफ और आई के बीच में एक इंडिविजुअल है, तो यहाँ से दो केस अराइज हो जाएंगे, या तो आई यहाँ पे आएगा या फिर आई यहाँ पे भी आ सकता है। एफ अगर यहाँ तो रहेगा ही रहेगा, आई यहाँ इस केस में। आई होप दिस इज क्लियर। ये जो केस अराइज हो रहा है ये इस केस का सबसेट है। ओनली, सॉरी, सबसेट नहीं, आप कह सकते हैं कि इसी से अराइज होगा, इसी की सिचुएशन से। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड आई। एच एंड जे आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर एंड जे डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स।
जे डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स, जे यहाँ पे नहीं आएगा और जे यहाँ नहीं आएगा. इफ जे डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, तो जे का पोजिशन एक ही पॉसिबल हुआ, दैट इज दिस. बट उसने क्वेश्चन में दिया एच एंड जे आर इमीडिएट नेबर्स. एच अगर जे यहाँ आएगा तो एच कहाँ जाएगा, एच बिल्कुल साथ होना चाहिए. बट इस सिचुएशन में एच की जगह आई और एफ है इसके बिल्कुल साथ, तो ये केस दैट मीन्स रॉन्ग है. अगेन जे यहाँ नहीं आ सकता, एक्सट्रीम में है, और यहाँ पे भी नहीं आ सकता, जे यहाँ पे भी नहीं आ सकता. देखो अगर जे और एच, एच एंड जे आर इमीडिएट नेबर्स, अगर जे यहाँ नहीं आ सकता तो जे को यहाँ नहीं डाल सकते, नहीं तो एच उसका इमीडिएट नेबर नहीं हो पाएगा. तो ओनली पॉसिबिलिटीज जे यहाँ पे होना चाहिए. जे यहाँ पे हुआ तो एच और जे इमीडिएट नेबर्स है, तो एच कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे. इधर देखें तो जे यहाँ नहीं हो सकता, अगर जे को यहाँ पे डालें तो एच के साथ नहीं होगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो इरेज कर देते हैं यहाँ से इसको. सो जे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे जे और एच नेबर्स है, तो एच कहाँ आएगा यहाँ पे. सो कौन कौन था रो वन में, सॉरी रो टू में, एफ जी एच आए जे, एफ भी हो गया, जी नहीं हुआ तो जी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी जी यहाँ पे हो गया, एफ जी एच आई जे, एफ जी एच जे और आई, पांचों के पांचों सेटल हो गए. सो दैट मीन्स अपना केस इन दोनों में से कोई एक है. जे डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, द वन हु सिट्स, वन हु फेसेस जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जेड. नाउ द वन हु फेसेस जी, जी को यहाँ पे कौन फेस कर रहा है, डब्ल्यू. नाउ डब्ल्यू शुड सिट इमीडिएट राइट ऑफ जेड. यहाँ देखें तो वन हु ऑपोजिट इज ऑपोजिट जी, अगेन द वन हु फेसेस जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जेड. जी के ऑपोजिट ये पोजीशन है, दिस पर्सन शुड बी इमीडिएट राइट ऑफ जेड, बट यहाँ इमीडिएट राइट किसके है, वाई के. सो दैट मीन्स दिस केस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एक्स इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, अगर एक्स इमीडिएट नेबर नहीं है तो एक्स यहाँ पे नहीं आ सकता इस पोजिशन पे, एक ही पॉसिबल पोजिशन होगी, दैट इज दिस पोजिशन. रो टू में कौन कौन था, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वी इज मिसिंग, तो वी यहाँ पे आएगा. सो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये पांच लोग हो गए. इसी को कॉपी करते हैं नेक्स्ट पेज पे एंड विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. पहले रो में है एच जे एफ जी आई, एच जे एफ जी आई, एच जे एफ जी आई, एंड सेकेंड रो में वाई वी जेड डब्ल्यू एक्स. नाउ लेट अस आंसर द क्वेश्चंस. ये रो वन है और ये रो टू है, ये नॉर्थ फेसिंग है और ये साउथ फेसिंग. हु अमंग्स द फॉलोइंग फेसेस एच, एच को कौन फेस कर रहा है, वाई, दैट इज ऑप्शन ए. हु अमंग Amongst the following sits to the immediate left of the person who sits exactly in the middle of the row facing south. Row with south facing people. So, question को ध्यान से पढ़ते हैं. Who amongst the following sits to the immediate left of the person who sits exactly in the middle of the row with south facing peoples? साउथ फेसिंग पीपल कौन से हो गए, ये वाली रो हो गई. सो इसके मिडल में कौन बैठा है, एफ. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो विथ साउथ फेसिंग पीपल. इमीडिएट लेफ्ट, अगेन लेफ्ट इसका ये नहीं होगा, ये वाला होगा. सो दिस जी विल बी द आंसर. Four of the following are alike in a certain way based on the given sitting arrangement and thus form the group. Which of the following does not belong to that group? H, W, X, I, Y. H को देखते हैं, H यहाँ है, W कहाँ है, यहाँ है, X ये है, I ये है, Y भी ये है,
सो अगर हम देखें एच वाई आई एंड एक्स एक्सट्रीम एंड्स पे, बट डब्ल्यू इज नॉट एट एन एक्सट्रीम एंड, सो सी विल बी द आंसर. हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस एक्स. फेस कौन कर रहा है एक्स को? ये आई. थर्ड टू द राइट इसके कौन होगा? वन टू थ्री, दैट इज जे. सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर. Which of the following is true regarding V? None of the following given options is true. An immediate neighbor of V faces F. Immediate neighbor of V, V का neighbor क्या है? या तो Y है या Z है. Faces F. Yes, Z faces F. This is true. So that means ये वाकई गलत है. So बहुत ही simple question था. अगर इसको ध्यान से करें तो 5 questions बहुत easily हो जाते हैं. With a span of few minutes, 2-3 minutes, अगर आप ध्यान से करेंगे तो. So this is it for today. I hope the video was useful to you guys. And ऐसे ही हम और videos लाते जाएंगे previous year questions के लिए, ताकि आपकी preparation में help हो सके. Please do like, share and subscribe the channel. Hope to see you guys soon.